विश्वकर्मा समाज के सभी संगठनों के प्रतिनिधियों की प्रांतीय बैठक रविवार को विश्वकर्मा पंचायत मंदिर जटाशंकर पर आयोजित किया गया। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि आगामी 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा का पूजा पूरे विश्व में मनाया जाता है। उसी दिन भारत सरकार का श्रम दिवस भी है तथा उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में तीनों आयोजनों को संयुक्त रूप से एक भव्य रूप में मनाना चाहते हैं। इससे पूरे भारत के विश्वकर्मा समाज को निमंत्रण देने के लिए पूरे भारतवर्ष का दौरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुझे उम्मीद है कि पूरे उत्तर प्रदेश से लाखों की संख्या में लोग आयोजन में शामिल होंगे, जिसमें कार्यक्रम को भव्य रूप से मनाया जा सकेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हरियाणा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा, नगर पंचायतों में, ब्लॉक पंचायतों में प्रमुख अपने विश्वकर्मा समाज के लोग चुन के गए हैं, जैसे अपने राहुल जी भी चुन के आए। राजनीतिक करियर की शुरुआत एक म्युनिसिपैलिटी के कमिश्नर से शुरू की थी, पहले म्युनिसिपैलिटी के कमिश्नर, जैसे आप सेल्फ कराते हैं परफेक्ट बढ़ती, कोई राजा का बलिदान नहीं होता, सेल की दहाड़ यह सिद्ध करती है कि इस जंगल का राजा मैं। वहां पर दहाड़ लगाई है, मंत्री के लेवल का दर्जा रहा, चेयरमैन रहा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, चौधरी बंसीलाल हरियाणा के 12.5 साल मुख्यमंत्री रहे, बहुत गजब के प्रशासक थे, मेरे उनसे बहुत प्रेम का संबंध। मैं कांग्रेस में कभी नहीं रहा, लेकिन हमने अलग से पार्टी बनाई कांग्रेस से, जब वो बाहर आए मैंने ही बनवाई थी हरियाणा विकास पार्टी, उनके साथ उसमें रहा। 1996 में मेरा उनसे मनमुटाव हो गया। लोगों ने कहा क्या फर्क पड़ता है, राजनीति के अंदर अगर आपकी विशेष पहचान है तो मैं आपको बताता हूं कि आप कहीं ना होकर भी वहां पर फायदा पहुंचा सकते हैं। मैं पार्टी से अलग हूं, कुछ ने कहा क्या फर्क पड़ता है, किसी और जांगड़ा को बढ़ा दे। एक राम प्रसाद जांगड़ा थे हमारे दादरी के एडवोकेट, उनको पिछड़े वर्ग का कमीशन का चेयरमैन बना दिया, लेकिन प्रदेश में संदेश नहीं गया। और किसी को बढ़ाओ, वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बना दिया, फिर भी फर्क नहीं पड़ा। चौधरी बंसीलाल कहने लगे रामचंद्र का काम उसी से चलेगा, उसी को बुला के दोबारा बनाना पड़ेगा, और फिर मुझे बुला के चेयरमैन बनाया। एक मेरी वजह से 6 जागरण समाज के लोगों के पास लाल बत्ती की कार। अगर आपकी विशेष पहचान है, आप अपने काम में परफेक्ट है, तो जैसे आप फैक्ट्री के अंदर किसी के अंदर काम करते हैं और आपको एक एक पुर्जे का पता है, मशीन की वर्किंग का पता है, उसी प्रकार राजनीति में भी आपको वही अनुभव, वही परफेक्टता, वही प्रवीणता प्राप्त करनी पड़ती है। फिर आपकी एक जुबान हिलते ही आप दूसरी पार्टी के भी किसी आदमी को फायदा पहुंचा सकते हैं। 1993 के अंदर राज्यसभा का चुनाव था, चौधरी बजलाल मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। मेरे मन में आई राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव था, वहां किसी समाज के व्यक्ति को राज्यसभा मिल सकती है शायद। बजलाल के बहुत नजदीक थे जांगड़ा समाज के, ग्रामजी लाल जी होते थे, अभी गुजर के बुजुर्ग हो गए। मैंने मेरी पार्टी के मंच पर, विकास पार्टी के मंच के ऊपर लाख लोगों की हाजिरी के अंदर एक बात कही, ये बजलाल बैकवर्ड का झूठा दावेदार है, देना कुछ नहीं चाहता, लेना सब कुछ चाहता है। अगर ये देना चाहता हो तो 2 राज्यसभा की सीट है, कम से कम अपने वफादार आदमी को देखे दिखा दो। रामजीलाल जांगड़ा इसके पास बहुत वफादार आदमी है इसका, हम मान जाएंगे कि बजलाल बैकवर्ड क्लासेस का विश्वकर्मा समाज का हमदर्द है,
आगामी 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा का पूजा दिवस पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है, वो आगामी 17 सितंबर को है। उसी दिन भारत सरकार का श्रम दिवस भी है और उसी दिन हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। हम 17 सितंबर को रामलीला मैदान में ये तीनों आयोजनों को संयुक्त रूप से एक भव्य रूप में मनाना चाहते हैं। इससे पूरे भारतवर्ष के विश्वकर्मा समाज के लोगों को निमंत्रण देने के लिए मैं पूरे भारतवर्ष का दौरा कर रहा हूं। उसी संदर्भ में आज मैं यहां पर गोरखपुर के अंदर भारत की एक धार्मिक नगरी जो है उसके अंदर आया हूं और समाज के लोगों ने आश्वासन दिया है कि यहां से पूरे उत्तर प्रदेश से लाखों की संख्या के अंदर लोग वहाँ उस आयोजन में पहुँचेंगे और उसको भव्य रूप में मनाएंगे।